आगे चल ले तुम भोले मिले भाग जा तू का मोला बोले ये हदम चले फिर का नहीं के बाद होते लगाई के आगे सजाई के हिना खुशी के लिए हरे चल भाग की सजाई के भाग होते लगाई के भाग की सजाई के इनके संगीता हर गर्भ गोरी रही कुआरी हो तो हे पार्वती समझाई बतिया मानो हमरो नाई नया रही रहा प्रथम वाली कहीं के देखिए कुछ महिला भक्त भी है, शिव भक्त महिला के रूप में जब आप देखते हैं तो इसमें कई चीजें दिखाई देती है महादेव करके आप देखिए कि महिला भक्त भी है शिव बारात में जब महिलाएं शामिल हो जाएं तो आप निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ी बात यह है कि अब वो दौर है जब हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल वाह क्या बात है अब आप तो ये जो गगनचुंबी नारा है ये मिर्जापुर के जो माहौल है उसको भी दर्शाता है कि कितना बेहतरीन माहौल है। अब महिलाएं पुरुष तमाम शिव भक्त अपनी बात को आसानी से रख सकते हैं। बहुत धन्यवाद आपको, आप लोग प्रसाद लीजिए जी। तो देखिए चाहे वो बालक हो चाहे बालिका हो, महिलाएं पुरुष बच्चे निरंतर प्रसाद ग्रहण करके अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। इस वक्त हम मिर्जापुर के नारघाट इलाके में हैं और श्याम उत्सव वाटिका के द्वारा निरंतर इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं। और ये जो ठंडाई है ये स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी इतना महत्वपूर्ण होता है कि इसके बारे में हम बता दें कि इसमें तमाम पौष्टिक चीजें मिली होती हैं, बादाम केसर काजू पिस्ता अखरोट मलाई दूध और दही का भी सेवन करके केसर युक्त इस प्रकार के लिक्विड फॉर्म में जो ठंडाई है ये काफी प्रसिद्ध है। मिर्जापुर का इसी मामले में है जो ये औषधि है, एक तरीके का ये औषधि है, ये सिर्फ और सिर्फ एक पेय पदार्थ नहीं है, ये शिव भक्तों के लिए ये वरदान है, ये अमृत तुल्य। ये औषधि पाके आज लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मिर्जापुर के नारघाट इलाके में इस तरीके के जो कार्यक्रम होते हैं वो निश्चित रूप से अविस्मरणीय है, अकल्पनीय है। और जब चुनावी Thank you.
नहीं का जो पर्व है, जो धूमधाम से जो लोग मना रहे हैं, इसके पीछे की भी मंशा यही होती है कि बढ़ चढ़ के भोलेनाथ शिव जी को याद करते रहे लोग। और देखिए भक्तों का सैलाब बिल्कुल जैसे उमड़ पड़ा है, हर भक्त ये चाहता है कि उसको भोलेनाथ का जो प्रसाद है वो मिल जाए। तो सबसे बड़ी बात यह कि प्रसाद लेने वाला भी बहुत ही खुश है, प्रसाद देने वाला भी अपने आप को भाग्यशाली मान रहा है, और जनपद मिर्जापुर के अंदर श्याम उत्सव वाटिका के द्वारा ये निरंतर इस तरीके के जो कार्यक्रम है वो अनवरत किए जाते रहे हैं और हर वर्ष होता रहा है। सबसे बड़ी बात इसकी है कि हर साल ये कार्यक्रम होता है, और इस कार्यक्रम के साथ जब आप देखते हैं कि देखिए तमाम युवा भक्त भी हैं हमारे साथ, और एक बार आप सब लोग जयकारे का नारा लगाइए, हर 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 हर। तो देखिए ये जो नारा है गगन चुंबी नारा है, हर हर महादेव का जो नारा है मिर्जापुर में, खास तौर से इसका महत्व सब और बढ़ जाता है जब पतित पावन माँ गंगा के तट पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। निश्चित रूप से ऐसे तमाम लोग हैं जो हमारे साथ हैं, देखिए आप लोग भी हैं, और बहुत ही काफी लंबी यात्रा करके सर आप जो है कितनी लंबी यात्रा करके आ रहे हैं? ज्यादा पुरेड़ा से। हाँ बेटा, तो देखिए ये जो भक्तों का जो ये घोष है गगन चुंबी नारा है, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि वो दिखाएं कि ये जो भक्तगण है ये निसंदेह सिर्फ और सिर्फ आज शिव के बारात में शामिल होकर तमाम व्याधियों को दूर करने की भी जबरदस्त इच्छा शक्ति इनके अंदर दिखाई दे रही है। बाहर खड़े हुए ना दूर। इधर आओ, इधर इधर बहुत बहुत धन्यवाद।